अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है जिंदगी वही सफर है। मैं सलमा अजमल हाजरा अजमल के साथ आपका हमारे किचन में वेलकम करते हैं। तो आज सिंपल वाली रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो डोसा या पराठा के साथ आप खा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं चलिए देख लेते हैं। और आज हम खीमा और सब्जी मिलाकर कुछ रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो डोसा पराठा आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो उसके लिए प्याज, नारियल, हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना हमने लिया है, तीन टमाटर, लहसुन, थोड़ा सा अदरक, दालचीनी, लौंग, हरी मिर्च, इस सब को हम ग्राइंड करेंगे, अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाते हैं। और गाइस ये जो है ये क्या बोलते हैं इसके रूट्स इसलिए निकल आए हैं क्योंकि हम इसको फ्रीज़र में जो है अब फ्रीज कर लेते हैं, तो इसीलिए वरना अब फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा पीसते हैं तब तक, और सलमा इसमें क्या यूज़ कर रही है बता देती हूँ। इस जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं उसमें आप जितना चाहे आलू कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आलू इसमें ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट इसमें आलू ही रहेगा, बीन्स, मटर और खीमा, ज़्यादा हम इसमें आलू यूज़ करेंगे। तो हमारा जो किंग ऑफ रेसिपी आलू है। चलिए अभी चूल्हे को करते हैं ऑन। जब तक ये गर्म नहीं हो जाता हमने यहाँ पे अच्छे से फाइन पाउडर पेस्ट बना लिया है। तो इसमें क्या करेंगे, तो आज हम ये ग्रीन कलर में बनाने जा रहे हैं सब्जी को, ग्रीन कलर में। तो थोड़ी सी हल्दी चुटाएगा, जितना आप ले रहे हैं क्वांटिटी में उसके हिसाब से नमक ऐड कीजिए। ये देखिए हमने तेल ले लिया, थोड़ा ज़्यादा ही तेल लिया है क्योंकि जब तक जो तेल की तरी ऊपर नहीं आ जाती मज़ा नहीं आएगा खीमा और आलू में। yes. तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चुटकी भर हमारा ज़ीरा जाएगा, बस चुटकी भर। और जो हमने अच्छे से फाइन पेस्ट किया है, अच्छा खासा तेल हमारा गर्म हो गया है। सलमा इनिशियल पॉइंट पे ही बोल रही हूँ, ज़बरदस्त खुशबू। हाँ देखिए मैं यही कह रही थी, जब तक ये सब्जी में ऐसा तेल जब हम बगारेंगे मसाले को, ऐसा तेल नहीं खड़ेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कीजिए। अगेन बी केयरफुल, छींटे उड़ेंगे। हाँ। है ना सलमा, बूंदेंगे नहीं मसाले को, नहीं साथ में सब्जी और खीमे को भी डाल लेंगे और आलू को बारीक कट कर कर हम मिलाएंगे। तो इसको सिम पे रखेंगे। ओके तब तक मैं आलू काटूं, मैं हिलाऊं, ठीक है। ये दिल मांगे मोर, ऐसी सब सब्जी जब सलमा बनाती है ना ऐसा लगता है सलमा थोड़ा और ज्यादा बना देती है। हिरसुल दुनिया अजाबुल मौत ऐसी हमारी बात में बोलते हैं। पर सच में बहुत अच्छी बनती है। देखिए इतना बारीक बारीक है सब्जी में, जितना बारीक हमारा आलू रहेगा उतनी ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो जितना हो सके आप आलू को बारीक कट कीजिए। तो मिलते हैं सारा कट करने के बाद। ये जायका इसमें खीमा लगा हुआ होगा, लपटे रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जितना हो सके बारीक कट कीजिए। और ये यहाँ पे हमारा खीमा अच्छा खासा आप देख सकते हैं, जैसे सलमा ने कहा वो ग्रीन आज बना रही है ग्रीन खीमा, तो कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। सलमा सोच रही होगी इतना अच्छा बना के रहती हूँ और ये काफ़ी का क्या मतलब है। आलू जाएंगे, आलू हमने कट करके इसलिए नहीं रखा था क्योंकि काले हो जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट पर आपका मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा, तब तक आलू को आराम से आप कट कर सकते हैं। अभी देख, और इस पॉइंट पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप, कंप्लीट स्किप कर सकते हैं, थोड़ा फूड कलर और ग्रीन वाला फूड कलर क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा लगना चाहिए ना, तो इसीलिए। और जार को अच्छे से जो मसाला है उसका सारा पानी में निकाल लेंगे। और आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से चेक करके कर सकते हैं कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी में चाहिए। मैं और थोड़ा पानी डालूंगी, देखिए ऐसा गाढ़ापन है, थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। आप इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं। मुझे लग रहा है थोड़ा और नमक जाएगा, आप चेक करके इस पॉइंट पर थोड़ा नमक ऐड कर लीजिए। और ये ऑप्शनल है, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली। अभी इसको लिड क्लोज करेंगे और दो विजल लेंगे। चलिए दो विजल्स के बाद मिलते हैं। और ये हमारी दो विजल्स आ गई हैं, तो अब चूल्हे को करते हैं बंद, मिलते हैं इसका ठंडा होने के बाद। और ये देखें हमने इसको खोल लिया है,
काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। और आज हम इसको हाजरा डोसे में टेस्ट करने जा रहे हैं। आप चाहें तो ये पराठे के लिए भी बेहतर है और पुलाव के लिए भी बेहतर रहेगी, आप किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये देखिए, मैं अभी कैमरे पे नहीं आऊंगी क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हूँ, फ्रेश नहीं हूँ। तो चलिए मैं इसको इसी डायरेक्टली इसी में यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्म है सलमा, मेरे हाथ कांप रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। ये स्पेशल रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने कहा था कि हम जो मसाले यूज़ किए हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो मसाले हैं आपको इजीली जो है हर साउथ घर में मिल जाते हैं, आराम से मिल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करना बनता है। प्लीज़ आ जाएं और इसको ट्राई करें और आप ज़रूर हमें तारीफ ज़रूर करेंगे कि बहुत अच्छी सी एक रेसिपी जो है हमने आपके साथ शेयर की है। लेट मी टेस्ट दिस। हम जो है डोसों के साथ खा रहे हैं इसको, काफ़ी यम्मी बनी है। और इसका मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि ये है ही ज़बरदस्त। और एक बात बतानी थी आपको कि आलू का जो सलमा ने कहा उसका ज़्यादा ख्याल रखें, आपकी मेरे को थोड़ा लेस कर दें, अगर ज़्यादा डालेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, पर आलू ज़्यादा डालें। तो चलिए ये नेक्स्ट बाइट लेकर मैं यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे साइन आउट करते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइज़।